ये अब तुम्हारे सामने फॉर्मेट्स आ गए बच्चों कंपैरेटिव बैलेंस शीट के, और फिर साथ में आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बताएंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट या ऐसे कहें कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2002 एंड 2001, आप जो मर्जी बोले 2012 2011 जैसे मर्जी बोले। ये एक मैं तुम्हें बता देता हूं एक खास बात, एज पर द न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट गिवन इन द रिवाइज्ड शेड्यूल 6, ये एक इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए। एज पर द न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट गिवन इन द रिवाइज्ड शेड्यूल 6, बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर शुड बी प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड प्रीवियस ईयर देयर आफ्टर। इसीलिए हम जब भी कुछ बनाएंगे तो आपके सामने करंट ईयर को पहले रखा जाएगा और प्रीवियस ईयर को बाद में रखा जाएगा। पिछले साल तक हम लोग इसको, मतलब पिछले फॉर्मेट तक हम 2001 को पहले और 2002 को बाद में रखते थे, लेकिन अब इस तरह से चलेगा। ठीक है जी, तो अब इसका फॉर्मेट देखें आप, बहुत इजी है। प्रॉपर बैलेंस शीट बना ले, आपके सामने बैलेंस शीट ही बनी हुई है। लायबिलिटी साइड पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉर्मल तरीके से दिया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से बनाएं आप नोट 2002 2001, ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, एज इट इज गिवन होगा, आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज उठाना है, क्योंकि फॉर्मेट ये सिर्फ गिवन होगा, फॉर्मेट चेंज कर ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो इसको पैराग्राफ फॉर्म में दे दें या एक रफ स्टेटमेंट फॉर्म में दे दें, लेकिन जब भी आप बनाएंगे तो आप इसको बैलेंस शीट की फॉर्म में लेकर आएंगे, बैलेंस शीट एज एट। ठीक है जी, अब इसके बाद शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इस तरह से लिख के करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और फिर दो कॉलम्स हम अपनी तरफ से बनाएंगे, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज जिसमें हम लोग करेंसी में चेंज दिखाएंगे, और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जिसमें हम लोग परसेंटेजेस दिखाएंगे। एम राइट, शेयर कैपिटल करंट ईयर की फिगर लिखेंगे यहां पे, शेयर कैपिटल करंट ईयर की फिगर लिखी जाएगी यहां पे, प्रीवियस ईयर की फिगर लिखी जाएगी, फिर इनका डिफरेंस यहां पे निकाला जाएगा और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर थी हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख, सॉरी लास्ट ईयर थी हमारी फिगर 10 लाख, करंट ईयर में हमारी फिगर होगी 11 लाख, सो 10 लाख से 11 लाख, 1 लाख इंक्रीज, 1 लाख डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर फिगर 10 लाख इज 10%, 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 10% यहां पर शो कर दिया जाएगा। अगर यही चीज वाइज वर्सा होगी कि लास्ट ईयर जैसे रिजर्व एंड सरप्लस लास्ट ईयर थे 1 लाख और इस बार हो गए हैं 90,000, तो 10,000 डिक्रीज ब्रैकेट्स में शो किया जाएगा। ब्रैकेट्स मींस हम लोग इसको नेगेटिव टर्म बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोला जाता है इन्हें। ठीक है, और फिर ये अमाउंट 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100, 10%, वो भी ब्रैकेट में शो किए जाएंगे। सो जब कोई सिंपल सिंपल फिगर इंक्रीज हो रही होगी हम उसको इंक्रीज साइड पे दिखाते जाएंगे, और जब कोई फिगर डिक्रीज हो रही होगी तो हम उसको परसेंटेज में दिखाते चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर करंट ईयर के साथ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को, ट्रेड पेबल्स को, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल को, जो भी टर्म्स दी होंगी उसको लास्ट ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, टेंजिबल एसेट्स में करंट ईयर में हमारे पास फिगर्स जो है वो है 20 और लास्ट ईयर थी 15, तो इंक्रीज हो गई 5, 15 से 25, देन 5 डिवाइड बाय 15 इज 33.33%, इसको ऐसे शो किया जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स, मान लेते हैं ये 20 करोड़ थी, मैंने छोटी फिगर ली है, इंटेंजिबल एसेट जो है वो लास्ट ईयर थी 20 और इस बार हो गई है 18, तो 2 करोड़ डाउन हो गई है, देन 2 करोड़ ऑन 20 करोड़ इज 10%, उसको हम लोग परसेंटेज में डाल देंगे। सो ये हमेशा ऐसा होगा, जब इंक्रीज होगा तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देंगे और जब डिक्रीज होगा तो हम उसको परसेंटेज को या उस फिगर्स को ब्रैकेट्स में शो करते जाएंगे। बट इन एनी केस कंपैरिजन लास्ट ईयर करंट ईयर इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को हम लोग शो करके आपके सामने, और फॉर्मेट वही बैलेंस शीट वाला। राइट, इसे आगे बढ़ते हैं बच्चों पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, वही दो ईयर्स,
जैसे 2002, 2001 एज इट इज दिया होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एड अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यूज आ गए, लेस एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉय बेनिफिट, जो जो भी कुछ दिया होगा, टोटल एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। इस थर्ड में से फोर्थ को माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसमें से टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। नोट नंबर अगर आपने देने हैं तो दे दें, क्योंकि अगर डिटेल है तो नोट्स में जाएंगी। और फिर उसके बाद लास्ट ईयर फिगर, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर हमारी 90 थी और इस बार हमारी 99 हो गई है, तो 9 इंक्रीज हुआ, 9 और 90 इज 10%। अदर इनकम पिछली बार हमारी 10 थी, इस बार 8 रह गई है, तो 2 डिक्रीज हो गई है, 2 on 10 इज 20% डिक्रीज। इस तरह से आप सारी, उसके बाद इसका यहाँ पर टोटल हो जाएगा, आप इसको टोटल्स में शो करेंगे, द टोटल इज कमिंग आउट टू 107, दिस इज 100, तो 7 इंक्रीज है, 7 on 100 इज 7%, इस तरह से। और हाँ, ये कभी गलती मत करना कि इसका टोटल करके ये बराबर बनाने की कोशिश करो, यहाँ तो टोटल टैली होते चले जाएंगे लेकिन परसेंटेज में टोटल कभी टैली नहीं होते, बिकॉज यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 100 होगा, तो इसका मतलब यहाँ 200 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये इस तरह से आपने सारे कंपैरिजंस करके शो करने हैं, बट इन एनी केस जब इंक्रीज है तो डायरेक्ट फिगर, डिक्रीज है तो ब्रैकेट्स में, और इस तरह से सारी कैलकुलेशन पूरी करके हमें शो करनी है, राइट, ठीक है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों।